मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली जीटी रोड पर स्थित मंडी समिति में उपचुनाव को लेकर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जनसभा को संबोधित किया। योगी बोले, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास कार्य कर रही है और प्रदेश को अपराध मुक्त करने का कार्य भी कर रही है। मंच की अध्यक्षता कर रहे विजय शुक्ला ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए और राजकुमारी सैनी के लिए जनता से 5 तारीख में होने वाले चुनाव के लिए वोट की अपील की। पूर्व विधायक संगीत सोम बोले, विक्रम सैनी की सदस्यता किसी बॉर्डर या मर्डर या कोई अपराध करने की वजह से नहीं की गई है। वह तो बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, बहन बेटी सुरक्षित हैं। किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिलता है। केंद्रीय मंत्री संजीव बरियान ने सभी से अपील की है कि वह अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी को करें। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और जनसभा को समापन भी किया गया। मैं देख रहा था, सदस्यता जाने के बाद उनके चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं थी। उनको इस बात का एहसास था और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ी। बिना डिगे, बिना हिले, बिना झुके उस लड़ाई को लेकर के लड़ते रहे, कार्य करते रहे और सदस्यता जाने के बाद भी कहीं पे कोई संकोच नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो मेरा कर्तव्य था उस कर्तव्य के लिए हमने किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने श्रीमती राजकुमारी सैनी जो मजबूती के साथ उनके साथ उस समय खड़ी रही, उनको फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे? आज पूछा जाना चाहिए इन लोगों से, तब लोकदल कहां था? तब तो ये पूछने नहीं आए थे। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने मेहनत से प्रधानमंत्री एक वसूली करते थे, राज चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे, अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज केरन और कांदला का प्लांट बंद हुआ, जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से केराना और कांदला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। बहन और बेटियां सुरक्षित हुई हैं, गुंडा टैक्स बंद हुआ है। और भाइयों बहनों, सपा और लोकदल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स दिलवाना गंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए, तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार के राजकतर गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आज फिर मैं आपके बीच आया हूं। हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान अन्नदाता किसान को दी जा रही है।